इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट दरअसल वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और जिसके जरिए हम डेटा को रेफरेंस कर सकते हैं। रेफरेंस से क्या मुराद है कि एक एंटिटी का डेटा दूसरी एंटिटी के डेटा के साथ हम लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है और इन दोनों का डेटा अगर हम आपस में रेफरेंस करना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं तो हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट के जरिए कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में हम जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहला है टेबल। हम क्या करते हैं कि एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास टेबल्स बन जाते हैं फिर हम क्या करते हैं कि फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम फॉर्म्स क्रिएट करने के बाद उन टेबल्स के ऊपर कुछ क्वेरीज अप्लाई करते हैं और फिर आखिर में हम रिपोर्ट बनाते हैं। ये चार ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी डेटाबेस के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो फॉर्म्स हैं और क्वेरीज हैं, रिपोर्ट्स हैं और टेबल, इनको हमने प्रैक्टिकली सीखना है अपनी आगे की वीडियोस में। इनका जो प्रैक्टिकल एक व्यू है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे एमएस एक्सेस ओपन करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हम इसका नाम, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जैसे आप इसको क्रिएट करते हैं तो आपके सामने एमएस एक्सेस की विंडो आ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट का ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस रिबन में, इस कंप्लीट रिबन में आपको जो पहला ऑब्जेक्ट है टेबल, ये टेबल से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे क्वेरी का एक ऑप्शन है, क्वेरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी क्वेश्चन को कहते हैं। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं और हम खास इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर एक क्वेरी अप्लाई करते हैं जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है, अगर आप उसके सिर्फ एड्रेस जानना चाहते हैं तो हम एड्रेस की क्वेरी अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास स्टूडेंट्स का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है वो है फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकेंगे। फॉर्म के जरिए हम टेबल्स में डायरेक्ट डाटा एंटर कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूजर के लिए यूज करना ज्यादा आसान होता है। और जब हमें क्यूरी का जो रिजल्ट आता है, अगर हम उस पर कोई रिपोर्ट बनाना चाहें या हम कोई वीकली रिपोर्ट बनाना चाहें, मंथली रिपोर्ट बनाना चाहें अपने डेटाबेस की, तो हम यहां से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चार ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। वो हम एमएस एक्सेस में आप जाएंगे, आपने याद रखना है कि आपने क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें हम अलग-अलग सीखेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्वेरीज कैसे बनाई जाती हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जाती हैं। थैंक यू।